आचार्य जी कबीर बार बार कहते हैं, एहु अनमोलक जीवन पायो, सद्गुण सबद ध्यायो, कहे कबीर पलक में सारी एक अलख दर्शाओ। और फिर दोबारा कहते हैं, जलथल सागर पूरा रहा है, भटकत फिरे उदासी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सहज मिले अविनाशी। तो कबीर ये कैसे कह रहे हैं कि कुछ है जो बहुत ही सहज मिल जाता है किसी को, पहले तो सबकी सुविधा के लिए इसको जोर से और दोबारा पढ़ देते हैं। यहाँ से पढ़ा था ना, लास्ट टू लाइंस ऑफ बुक। जो पहला कबीर से उदाहरण दे रही हैं शिल्पी, वो है, एहु अनमोलक जीवन पायो, सदगुरु सबद ध्यायो, कहे कबीर पलक में सारी एक अलख दर्शायो। और दूसरा उदाहरण कबीर से ही कह रही हैं, जलथल सागर पूर रहा है, भटकत फिरे उदासी, कहे कबीर सुनो भई साधो, सहज मिले अविनाशी। आचार्य जी कबीर किन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कुछ हैं जो भटक रहे हैं, उदास हैं और हर जगह ढूंढ रहे हैं और उन्हें नहीं मिल रहा, और कुछ हैं जो इतने सिंसियर हैं कि बिना ढूंढे ही उन्हें मिल रहा है। देखो, ढूंढ सभी रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो न ढूंढ रहा हो। मन से चूक हो जा रही है, उसको चूक बोलें या उसकी विवशता बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं, वो ढूंढ तो रहा है, पूरी जान लगा के ढूंढ रहा है, लेकिन वो बेचारा क्या करे, वो वहीं ढूंढ रहा है जहां वो ढूंढ सकता है। और वो कहां ढूंढ सकता है, तुम्हारा कुछ खो जाए तो तुम कहां ढूंढने निकलोगे। और तुम आखिरी बार या पहली बार या किसी भी बार कहाँ देखते हो, जब भी कुछ देखते हो कहाँ देखते हो, कहाँ देखते हो, अपना दायरा परिभाषित तो करो। तुम जब भी किसी चीज़ को देखते हो, छूते हो, सुनते हो, अनुभव करते हो, वो कहाँ पर होता है, बाहर माने कहाँ, इंद्रियों से ही। वो जहां तुम देखते हो उसको कहते हैं मन का आकाश, मन का अपना दायरा, मन का डोमेन, वहां पर ही देखते हो और कहीं नहीं देख सकते। अब मन ढूंढे जा रहा है, ढूंढे जा रहा है, ढूंढे जा रहा है, अपनी पूरी जान लगा कर ढूंढे जा रहा है, पर कहाँ ढूंढ रहा है, वहीं जहाँ वो ढूंढ सकता है। ठीक, वहां मिलेगा नहीं। मन की कोशिश पूरी है, वो हर तरह से झुकने को, प्रयत्न करने को, दाम चुकाने को राजी है। आम आदमी जीवन भर खटता ही तो रहता है, लगा ही तो रहता है, तरह तरह के दाम चुकाता है, कहां कहां नहीं सर झुकाता है। बस एक चीज से मन सहमत नहीं होता, किस चीज के लिए, कि वो अपने ढूंढने पर ही शक करने लगे, वो अपनी राह बदलने को तैयार हो जाता है, अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होता। उदाहरण समझना,
तुम कुछ ढूंढ रहे हो, तुम खुशी ढूंढ रहे हो। कोई आकर तुमसे कहे कि खुशी यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी, तुम अपनी राह बदलने को तैयार हो जाओगे ना। और ये बात हर विज्ञापनदाता जानता है, हर दोस्त हितैषी दुनिया के सब लोग जानते हैं। यहाँ चले जाओ यहाँ कुछ मिल जाएगा, वहाँ चले जाओ वहाँ कुछ मिल जाएगा। और हम उन चीज़ों के लिए राजी भी हो जाते हैं। बस एक चीज के लिए हम राजी नहीं होते कि इसी बात पर सवाल उठा दें कि जो ढूंढ रहे हैं क्या वो ढूंढे जाने योग्य है। निश्चित रूप से ढूंढे जाने योग्य कुछ होगा, पर क्या हम उसी चीज को ढूंढ रहे हैं या हम ढूंढ कुछ और रहे हैं? इस पर हम सवाल उठाने को तैयार नहीं होते। तो बड़ी दुर्गति है मन की। ऐसा नहीं कि झुकता नहीं, झुक भी रहा है। ऐसा नहीं दाम नहीं चुकाता, चुका रहा है। ऐसा नहीं कि पीड़ा नहीं सहता, सह रहा है। हम कोई बड़े तृप्त आनंदित लोग तो है नहीं। हर तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं, बस एक पीड़ा से नहीं गुजरना चाहते, वो है तपस्या की पीड़ा। और मुझे तो लगता है कि तपस्वी और साधक भी क्या ही कष्ट से गुजरते होंगे। असली कष्ट तो एक संसारी, एक गृहस्थ बर्दाश्त करता है। देख रहे हो कितना घाटे का सौदा है। जितना कष्ट तुमने अपने अनुसार ढूंढने में और जोर लगाने में और भागने में बर्दाश्त किया, उतना कष्ट तुमने यदि सही दिशा में जाने में बर्दाश्त कर लिया होता तो तुम्हारी समस्याएं सारी ही सुलझ गई होती। जितना दाम तुमने संसार को चुकाया, उसका चौथाई दाम भी अगर तुमने सत्य को चुका दिया होता तो कब का काम बन गया होता। समझ रहे हो? दाम तो चुका ही रहे हो, मन ढूंढ तो रहा ही है। इधर उधर ढूंढ रहा है, सब पर सवाल उठाता है, खुद पर सवाल उठाने को राजी नहीं है। इसीलिए तुम्हें इतनी किताबें मिलती हैं बाजार में जो तुम्हें बताती हैं कि अपने लक्ष्यों को पाएं कैसे। मिलती है ना, पर ऐसी किताब कोई ही होगी जो तुमसे कहे कि पूछो कि क्या फलानी चीज पाने लायक है, अपने लक्ष्यों पर सवाल उठाओ, अपनी मूल वृत्ति पर सवाल उठाओ। ऐसी किताब नहीं मिलती होगी। लक्ष्य का पीछा करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, किसी की भी सलाह ले लेंगे, कोई भी कीमत अदा कर देंगे, पर इस बात पर अड़े हुए हैं हम कि लक्ष्य हमारा जो है रहेगा तो वही। सतही बदलाव के लिए हम राजी हो जाते हैं, मूलभूत बदलाव के लिए नहीं राजी होते। समझ रहे हैं?
गुरु ढूंढने से नहीं मिलता है। ढूंढने से तो दुनिया के सब सामान इत्यादि मिल जाएंगे, ढूंढने से तो वही मिलेगा जिसको तुम ढूंढ रहे हो, और तुम ढूंढ ही गलत चीज को रहे हो, तो गुरु ढूंढने से कैसे मिलेगा। ढूंढने से जो गुरु मिले उसके प्रति तो थोड़े सचेत रहना। गुरु सदा अनपेक्षित रूप से मिलेगा, जहां तुम उम्मीद नहीं कर रहे वहां मिलेगा। और अगर तुमने अपने प्रयत्न से भी ढूंढ लिया तो वो वैसा नहीं निकलेगा जैसा तुम सोचे बैठे थे। गुरु का मिलना सदा एक चौंकाने वाली घटना होगी। तो फिर दो तरह के लोग होंगे, एक वो जो चौंकने से झटका खाने से राजी हो जाए, और दूसरे वो जो कहें कि मुझे तो वही चाहिए जो मैं ढूंढ रहा था, अगर उससे हटकर कुछ मिलेगा तो मैं निराश अनुभव करूंगा। ढूंढने वालों की अब दो कोटियां हो गई, बात आ रही समझ में। एक वो जिन्हें जब कुछ अप्रत्याशित मिलता है तो वो चौंकते तो जरूर हैं, लेकिन चौंकने के बाद नमन भी कर लेते हैं, कहते हैं ठीक है ये वो नहीं जो मैंने चाहा था, पर जो कुछ मैंने चाहा वो मेरे काम कब आया, तो अब जरा उसके सामने भी झुक कर देख लेते हैं जो अनपेक्षित है, अप्रत्याशित है, अपूर्व है। और दूसरे वो जो कहते हैं नहीं मुझे चाहिए तो, पर मुझे ठीक ठीक वही चाहिए जो मुझे चाहिए, कुछ और दे दिया जो मेरी अपेक्षा के अनुकूल ना हो, जो मेरी उम्मीदों से, मेरे ढर्रों, मेरे ढांचों से, मेरे इतिहास से मेल ना खाता हो, तो मैं सहमत नहीं होऊंगा। अनुकंपा सब पर है, गुरु सबको उपलब्ध है, भेद उसकी ओर से नहीं होता, भेद पाने वाले मन की ओर से होता है। वो लेने को राजी है या नहीं है, और ऐसा नहीं कि हम लेने को राजी हैं, नहीं हैं, हम लेने को राजी होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि मात्र हम ही अपने हितैषी हैं, हम ही अपने विश्वस्त हैं, अपने से हटकर हमें किसी और पर विश्वास नहीं। और ये बात मूर्खता की है, क्योंकि यदि हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक जो कुछ कमाया है वो हमारे काम नहीं आया है। तो ढूंढने का कारण ही यही है कि अपने में त्रुटि पाते हो, लेकिन जब ढूंढ रहे हो तब भी कह यही रहे हो कि वही चाहिए जो मुझे चाहिए। अब ये दोनों बातें कितनी आपस में विरोधी हैं ये हम देखते भी नहीं। ढूंढ इसलिए रहे हो क्योंकि जो तुमने अभी तक कमाया हो तुम्हें पूरा नहीं पड़ा, तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे काम नहीं आए, लेकिन ढूंढते वक्त भी क्या कह रहे हो, वही चाहिए जैसे मैं लक्ष्य बनाऊं। जैसे बीमार को अपनी सेहत पे भरोसा हो, जैसे विक्षिप्त को अपनी बुद्धि पे भरोसा हो, जैसे अंधे को अपनी आंख पे भरोसा हो, हुँ?
तुम चिकित्सक के पास निकले हो, ये कह के कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, आंख पे पर्दा सा पड़ा है, बेहोशी है, जाला है, कुछ पता नहीं चल रहा। और तुमने ये भी ठान रखी है कि चिकित्सक तक जाने का रास्ता अपनी ही आंखों से देख के तय करोगे। ये भरोसा गलत है, ये भरोसा आत्मघातक है, मत करो अपने पे इतना भरोसा। तुम अपूर्ण को पूर्ण का दर्जा दे रहे हो, इसी का नाम अहंकार है। अपूर्णता मात्र अहंकार नहीं कहलाती, अपूर्णता को यदि अपूर्णता जान लिया तो यह अहंता नहीं है, फिर यह बोध है। अहंकार तब है जब अधूरे को पूरे का सम्मान दे दिया। अब फंसोगे ना, तो ढूंढने वालों की दो कोटियां, पहली कोटि भी ढूंढती है और दूसरी कोटि भी ढूंढती है, पर पहली कोटि ढूंढने में कहती है मुझे ठीक ठीक वही चाहिए जो मुझे चाहिए, और दूसरी कोटि कहती है इतना ढूंढ रहे हैं, इतना ढूंढने की जरूरत पड़ रही है, मतलब हमारे ढूंढने में ही कोई खामी है। तो अब अगर अपनी उम्मीद से हटके कुछ मिलता है तो आजमा ही लेते हैं ना, अपने मरे तो हम मर भी नहीं पाए, अपने जिए हम जी नहीं पाए, अपने चले हम चल नहीं पाए, तो अपने पाए हम क्या पाएंगे, अपने पाने पर इतना भरोसा ना करें। कुछ यदि यूं ही उतर रहा है जीवन में तो सचेत रहें उसके प्रति, विनम्र रहें थोड़ा। यदि पूर्ण समर्पण नहीं कर सकते तो कम से कम प्रयोग कर लें, पर सीधे ही इनकार तो ना कर दें, ये तो ना कह दें कि ये वो नहीं जो मुझे चाहिए था। देखो बच्चा है छोटा, उसे क्या चाहिए, क्या चाहिए, पत्थर चाहिए। तुमने क्या अपने मन को बहुत परिपक्व मान रखा है? वो अड़ जाए कि मुझे तो वही चाहिए जो मुझे चाहिए, तो उसके नसीब में क्या रहेंगे, पत्थर। पर बच्चे का ऐसा दुर्भाग्य नहीं, वो बड़ा होगा और समझ जाएगा और आगे बढ़ेगा। दिक्कत बड़ों के साथ है, वो बड़े होने ही नहीं पाते। और बताइए, अड़ू नहीं, कम से कम अड़ू मतलब कि उसको आजमाई नहीं, अड़ने का मतलब होता है कि मैंने मार्गरीटा मंगाया था तो वेजी सरप्राइज नहीं चलेगा, ऐसे ही तोड़ते हैं हम। तुम जाओ पिज्जा खाने और जो तुम मंगाओ उससे हटके कुछ आ जाए तो तुरंत क्या करते हो, और तुमने गुरु को भी पिज्जा ही बना रखा है कि मुझे जो उम्मीद है वैसा मैं जिस गुरु के मुंह से सुनूंगा वो गुरु मेरा गुरु हुआ, और जिसने जरा उससे हटके कोई बात कर दी
तो मैं कहूँगा मेरा अनुभव ठीक नहीं है। और बात तो लगातार हटके ही होगी, गुरु व्यापारी तो नहीं है, उसका काम दुकान चलाना तो नहीं है ना कि वो तुम्हें खुश करे। उपनिषद इसलिए तो नहीं लिखे गए थे कि तुम उन्हें पढ़ो और कहो ये यही तो चाहिए था। कबीर 100 बार बोलते हैं कि गुरु ने ऐसा डंडा मारा कि सब टूटी फूट गया है। पर हमारी मांग यही रहती है, फिर इसीलिए बहुत सारे गुरु निकल पड़ते हैं बाजार में और वो ठीक वही सब कुछ बोलते हैं जो तुम्हें चाहिए है। अब सुन लो, वो सब सुन करके क्या तुम कभी खुद से आगे निकल पाओगे? पर जैसा हमारा दैनिक जीवन रहता है ना कि हमें वही भाता है जो हाँ में हाँ मिलाए, तो उसी दैनिक जीवन के चलते फिर हम ग्रंथों से, संतों से और गुरुओं से भी यही अपेक्षा करते हैं कि वो वही लिखेंगे और वही बोलेंगे जो हमारी समझ के भीतर का हो और हमारी बुद्धि से मेल खाए। अब छोटू से पूछो कि ये इतने लोग यहाँ बैठे हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो उसके अनुसार इन सबको पत्थर पत्थर खेलना चाहिए। ऐसी हमारी गुरुओं से उम्मीद रहती है कि हम पत्थर खेलते हैं तो गुरु को भी बात किसकी करनी चाहिए? पत्थरों की बात करो भाई, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, काला पत्थर, सफेद पत्थर, यही सब तो बात होनी चाहिए। कौन सी बात तुम करने लगे? संतोष, तृप्ति, आनंद, जीवन, समझ, परमात्मा, ये सब कैसी बातें हैं? तुम वो बातें करो जो हमें सुहाती हैं, और वो बातें की जा सकती हैं। पर वो बातें अगर कर दी गई तो तुम्हें कोई लाभ होगा? तुम्हारा अवाक रह जाना, तुम्हारा चौंकना, तुम्हारा थोड़ा तड़पना आवश्यक है। बहुत कुछ होना चाहिए जो तुम्हारे पल्ले न पड़े, बहुत कुछ होना चाहिए जिसके समक्ष तुम्हारी बुद्धि असहाय हो जाए, तुम थोड़े तड़प जाओ कि ये क्या था और क्यों था। ये तो बिल्कुल ही अबूझ पहेली, अगम्य बात कह दी, बेसिर पैर की। वो होना जरूरी है, तभी तो भीतर के ढांचे टूटेंगे। पर इस बात को भी बाजारी गुरुओं ने अपने लाभ में प्रयुक्त कर लिया है। वो कहते हैं चूंकि असली गुरु को ऐसा कुछ कहना चाहिए जो समझ में ना आए, तो ऐसा कुछ बोल दो जो किसी की समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो समझ में आने लायक ही नहीं है, और फिर ऐसा लगेगा कि साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी। मैं अभी ऋषिकेश में था तो वहाँ पोस्टर पढ़ता था और उसमें किन्हीं सज्जन का बड़ा लंबा चौड़ा वक्तव्य था। उस वक्तव्य का कोई अर्थ नहीं। एक वक्तव्य होता है जो सामान्य बुद्धि से आता है, वो समझ में आ जाता है। एक वक्तव्य होता है जो पराबुद्धि से, अति बुद्धि से आता है, वो नहीं समझ में आता। और फिर एक वक्तव्य होता है जो अबुद्धि से आता है, वो भी समझ में नहीं आ सकता। जैसे गधे का रेकना, उसमें समझोगे क्या?
इतना लंबा वक्तव्य था और उसको जो पढ़े वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। क्या बात कही है, ये तो कहने वाले की भी समझ में ना आए। परमात्मा बेबस है इस बात के आगे। जानते हो खतरनाक बात क्या है, हम वहां भी सर झुका देते हैं जहां कुछ भी हमारे पल्ले ना पड़े। हम वहां सर नहीं झुकाते जहां न तो वो बात होती है जो पूरी तरह हमारे तल की है और न वो बात होती है जो पूरी तरह कहीं और की है। हम घबराते वहां है जहां हमें दिखाई पड़ता है कि हमें सीढ़ी दी जा रही है, सीढ़ी जो हमें हमारे तल से उठा करके कहीं और ले जाएगी। भीतर कोई बैठा है जो जानता है कि अब आया खतरा, फिर हम फंस जाते हैं। समझ रहे हो बात को? तुम बैठे हो और तुम सात आसमानों की कहानियां पढ़ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगेगा, अहंकार डरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, इनसे मुझे कोई खतरा नहीं आ जाने वाला। और पढ़ते ही हो, तमाम तरह का काल्पनिक साहित्य मौजूद है, फिक्शन, उसमें अहंकार कभी घबराता नहीं कि न जाने कहां की बात है, किस सुदूर देश की बातें हैं, क्या पता ये क्या है। वहां तुम नहीं घबराओगे, घबराओगे तुम तब जब तुम्हें सीढ़ी या पुल दिया जाएगा, क्योंकि अब खतरा सामने है। तुमसे कहा जा रहा है ये सीढ़ी है, इसका एक सिरा तुम्हारे सामने है और दूसरा सिरा तुम्हें कहीं और ले जा रहा है। अगर सिर्फ आकाश की बात हो रही होती तो तुम घबराते नहीं, क्योंकि आकाश आकाश है, होगा कुछ कल्पना में, पढ़ो और मनोरंजन लो। सीढ़ी से घबरा जाते हो। कबीरों का काम है तुम्हें सीढ़ी देना, वहां पे डर जाते हो क्योंकि अब मुंह कैसे चुराओगे, अब क्या बहाना बनाओगे। तुम्हारे सामने सीढ़ी रख दी गई है, कहा है लो जहां हो वहीं सीढ़ी रख दी गई है, तुम कदम बढ़ाओ, अब कैसे बचोगे। अब आध्यात्मिक साहित्य मनोरंजन नहीं रहा, अब तो करने की बात हो गई, जियो इसको। अब सुदूर किस्से नहीं सुनाए जा रहे, परी कथाएं नहीं है, अब क्या है, अब सामने है, धर्म का पालन करो। अब फंसे, अरे बाप रे, हमको तो लगा था यहां पर जब तब कथा और पाठ होता है, ये तो कथा से आगे की बात हो गई, ये तो व्यथा हो गई। फिर तुम भगते हो, कहते हो नहीं ये गड़बड़ है। तो दो तरह के लोग फिर तुम्हें ठीक लगते हैं, एक वो जो तुम्हें तुम्हारी ही जमीन पे रखें और दूसरे वो जो आसमानों की बातें करें। तुम्हें कौन सताता है, कौन तुम्हारे लिए खतरा बन जाता है, जो तुम्हें जमीन से आसमान की सीढ़ी दे दे, वो खतरा है। गुड़गांव के किसी मॉल में चले जाओ, वहां वो सब हैं जो तुम्हें तुम्हारी ही जमीन पे रखते हैं, वहां तुम्हें भीड़ नजर आएगी क्योंकि वहां तुम्हें कोई खतरा नहीं, वहां तुम्हें तुम्हारे चिर परिचित दायरे में रखा जा रहा है, तुम सुरक्षित अनुभव करते हो। क्या तो जानता हूं, हाँ ये दुकान है, यहाँ ये मिलता है, यहाँ ये मिलता है, यहाँ ऐसा है, ठीक, अपने भीतर की बात है, सब पदार्थ, सब भौतिक, सब मानसिक। और उसी शॉपिंग मॉल में किताबों की एक दुकान होगी और उसमें अध्यात्म का एक कोना होगा, स्पिरिचुअलिटी सेक्शन,
और उसमें भी किताबें होंगी, वहां भी भीड़ लगी होगी, बिक रही होंगी, बेस्ट सेलर होंगी। वो कौन सी किताबें होंगी? जो आसमानों की बातें करेंगे, ऐसी बातें जिनका जमीन से, हकीकत से कोई लेना ही देना नहीं। हाँ, पढ़ने में बहुत सुहाती हैं। परमात्मा का गोल गोल भोला भाला चेहरा, आहा, कल्पना करो, मीठी मीठी बातें, सबसे प्रेम करो, सब पर दया और करुणा रखो, ठीक, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें कोई खतरा ही नहीं। तो वहां भी भीड़ लगी होगी, बिल्कुल एकदम पार की बात, परम ब्रह्म से नीचे उतरना ही नहीं है, और ब्रह्म भी नहीं, पार ब्रह्म। ब्रह्म की 7-8 कोटियां होती हैं, जानते नहीं तुम? तो ऐसे लोग भी तुम्हें बहुत भाएंगे, जो बिल्कुल ऐसी बात कर दो जो इतने दूर की है कि वो हमारे रोज के निजी जीवन पर, दिनचर्या पर कोई खतरा ही ना लाती हो। मैं अपनी बेवकूफियां करे जाऊं और मंत्र जपे जाऊं, ऐसा मंत्र दो मुझे, क्योंकि मंत्र जैसे तुम जपते हो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, मैं मुस्कुराता हूँ, ठीक, अच्छी बात है। असली गुरु सीढ़ी तो देता ही देता है, वो खतरनाक सीढ़ी देता है, वो ऐसी सीढ़ी है जो बांह पकड़ लेती है, उस सीढ़ी पे तुमने पांव रखा तो फिर उतरना मुश्किल हो जाता है नीचे, फिर ऊपर को ही जाना पड़ता है, उसमें ढलान ऊपर की ओर है। तुम एक दो पायदान चढ़ लिए, उसके बाद चाहते भी हो कि ये बच्चू फंस गए, वो लच्छेदार बातें करके फंसा गया है, फिर तुम कहते हो उतर के भागो, फिर पाते उतरना मुश्किल है, ढलान ऊपर को है। फंसना चाहिए, वो फंसना चाहता है, एक हद तक फंसना चाहता है, और गुरु का काम बेहद का है। एक मुकाम आता है जब हर शिष्य कहता है कि इसके आगे नहीं जाना है, और फिर वो लौटना चाहता है, कहता है गुरुदेव आगे खड़े होके बुला रहे हैं और आगे हमें जाना नहीं है, वहाँ दूर से आवाज दे रहे हैं, आओ आओ चले आओ चले आओ, और शिष्य कहता है आगे जाना नहीं है, तो वो मुड़ता है और देखता है पीछे ही खड़े हैं। फिर बहुत गालियां देता है, गुरु कहता है दिए जाओ, यही तो गुरु दक्षिणा चाहिए थी, इसके बिना काम कैसे चलेगा। कल मैं तुमको समझा रहा था ना कि गुरु दक्षिणा वो है जो तुम्हें देना चाहिए ताकि तुम उससे मुक्त हो सको, इसी से तो मुक्त होना है। जितना भीतर का विष है सब वमन कर दो, जितनी गालियां तुमने जमाने को दी हैं और अपने आप को दी हैं, तुम एक झटके में गुरु को दे दो, वो पी जाएगा, और किसी को दोगे तो जूते खाओगे। गुरु को गाली दे लो, वो पी जाएगा, तुम बच गए, तुम्हारे कर्म सब कट गए। देखो ना कैसी मजबूरी है, सारे खतरों से आगाह कर दिया, इतना सुन के तो भाग जाना चाहिए था अब तक, अच्छा ये चल रहा है तो भागो रे, पर भाग नहीं रहे हो क्योंकि ढलान ऊपर की तरफ है।
तपस्या से अर्थ है ढर्रों को तोड़ना अपने, और गृहस्थ से अर्थ है ढर्रों में जीना। गार्हस्थ्य से जो तात्पर्य होता है वो होता है कि तुम ढर्रों के भीतर जी रहे हो, ढर्रा माने दीवारें, तुम दीवारों के भीतर जी रहे हो। ढर्रे तोड़ने में कष्ट है, ढर्रों में जीने में उससे भी तो ज्यादा कष्ट है, ये कह रहा हूं। तुम सही कष्ट चुनो ना, और बात कम ज्यादा की भी उतनी नहीं है। ढर्रों में जियोगे तो कष्ट बना ही रहेगा, बढ़ता जाएगा। ढर्रों को तोड़ने का कष्ट झेलोगे तो कष्ट कम होता जाएगा। सही कष्ट चुनो। आचार्य जी, ढर्रों को तोड़ने में वो जो बंधन रहता है, और उस समय मतलब एक तो ये है कि अब उसमें पड़े ही ना, जो ढर्रे तोड़ने वाली बात है या जिए, तो उसमें तो मतलब अनडाउटली वो टेंशन है, प्रॉब्लम है, और मजबूत भी होती जा रही है, ठीक, हिम्मत नहीं हो पा रही वो तोड़ने की। तो मतलब ये कि हम अपने जीवन को देखें कैसे सुबह से शाम तक, क्या जिससे हेल्प मिले, जो पर्टिकुलर अगर हम अपना एक इसी संबंध में थोड़ा सा हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं स्पेसिफिक कैसे तोड़ूं उसको। सही संगति की कीमत चुकाओ। सब तोड़ दोगे अगर उन लोगों के साथ जी रहे हो जिन्होंने तोड़ा है, फिर तुम्हें भी याद आएगा कि ऐसे भी तो जिया जा सकता है। और अगर दिन रात उन्हीं के बीच रहो जो बंधनों से राजी हैं, तो बंधन तोड़ने का ख्याल ही क्यों आएगा। सुसंगति में जियो, और सुसंगति में जीने की कीमत अदा करनी पड़ती है, वो कीमत अदा करो। थोड़ा सा अब ये कहीं तो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इस पे, मतलब सुसंगति कैसा, वो तो समाज तो वही है। समाज वही क्यों है, जो तुमने चुना है वैसा है। अब जहाँ पैदा हुए, जो माहौल है, सब वहीं रहते हैं जहाँ पैदा हुए हैं। सब वहीं रहते हैं क्या जहाँ पैदा हुए हैं? मैं क्या इस कुर्सी पे पैदा हुआ था? नहीं। वो कहाँ से आई हैं जो वहाँ बैठी हैं? तो जहाँ होते हो वहीं रह जाते हो क्या, या वहाँ जाते हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए? वो क्यों आई हैं? और ये बात तुम भौतिक जीवन के विषय में कभी नहीं कहते कि जहां हुए थे अब वहीं तो रहेंगे। तुम पढ़ाई करने कहां गए थे अमित? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। वो कहां था? गुड़गांव में। जब तुम्हें संसार मौका देता है तरक्की का, भौतिक तरक्की का, तब तो तुम नहीं कहते कि हम जहाँ के हैं वहीं रहेंगे। फैमिली छोड़ के गया था, घर छोड़ के चला गया था। और घर माने माता पिता नहीं, किस परिवार की बात कर रहा है पूछो? बीवी बच्चे छोड़ के गया। तो MBA के लिए या पैसे के लिए हम घर परिवार देश सब छोड़ने को राजी होते हैं कि नहीं होते हैं? पर सत्य के लिए तुमसे कह दिया जाए कि थोड़ा जरा छोड़ करके कहीं और पहुंच जाओ, तो तुम कहोगे अरे समाज तो वही रहेगा ना, कैसे छोड़ दें? ये बात मेरी समझ से बाहर की है। अमेरिका में कितने भारतीय हैं इस वक्त जरा बताना, कितने हैं? मिलियंस में तादाद हो गई है उनकी।
अगर मेरा अनुमान सही है तो 30 लाख के आसपास होंगे। एक लाख भी हो तो भी सोचो तो ये 1 लाख पृथ्वी के दूसरे हिस्से में पहुंच गए बिल्कुल। पृथ्वी यदि ऐसी है और भारत यहां है तो अमेरिका कहां है? बिल्कुल पीछे। भारत से सुरंग खोदो तो अमेरिका में निकलेगी सीधी। और वहां काहे के लिए जाते हैं लोग? एक बेहतर भौतिक जीवन के लिए, ठीक, या ज्ञान के लिए? बेहतर भौतिक जीवन, ज्ञान के लिए भी जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, भौतिक पढ़ाई के लिए। तो इन चीजों के लिए तुम अपना समाज छोड़ने को तैयार हो जाते हो, होते हो कि नहीं होते हो? पर सत्य के लिए और शांति के लिए और तृप्ति के लिए तुम कहते हो समाज तो वही रहेगा ना जो है। इसको हम समाज छोड़ने के लिए काम नहीं करते ना। ये जितने गए थे ये यहीं से गए, जितने भी हैं वहां 15 लाख 30 लाख लौट के आए क्या? तो उन्होंने तो वास्तव में समाज छोड़ दिया, वहीं के हो गए। किसी का ग्रीन कार्ड हो गया, किसी ने तुम्हारी की नागरिकता भी ले ली, सब हो गया। उन्होंने तो वास्तव में छोड़ दिया और वो कभी कहने नहीं आते कि समाज कैसे छोड़ दें। और तुमसे कहा जाता है कि सुसंगति करो तो तुम कहते हो अरे समाज कैसे छोड़ देंगे। आचार्य जी, सुसंगति में जैसे अब प्रवचन हुए, जहाँ मतलब सत्य की बात हो रही हो वहाँ जाएं और जो बताएं उस रास्ते पर चलें। सुसंगति का नियम है जिस माहौल में, जिस आदमी के साथ, जिस जगह पर मन व्यग्र होता हो, मन में लालच और डर प्रविष्ट होते हो, उस जगह से बचो, बात खत्म। तुम्हें पता है कि इस जगह पर रहूंगा और ऐसे काम करूंगा या इस आदमी को इंटरनेट पर संदेश भेजूंगा तो जो होगा वो मुझे डुबाने वाला ही काम होगा, मुझ में वासना उठनी है, मुझ में विक्षेप की लहरें उठनी है, मुझे ललचाया जाएगा, मेरी आंखों के सामने माया नचाई जाएगी। वहां से दूर रहो और जहां तुम पाओ, जिस माहौल में, जिस ग्रंथ के साथ, जिस आदमी के साथ, जिस जगह पर कि मन शांत होता है, सहज तृप्ति में जाता है, भीतर से घृणा हिंसा जरा कम होते हैं, वहां अपना समय ज्यादा दो, अपने संसाधन ज्यादा दो। यही है सुसंगति और कुसंगति। इसमें इतना कुछ कठिन है क्या? कल तुम लोग कहानी पढ़ रहे थे ना कि शेर भी बकरियों के साथ रहे तो क्या कर रहा है? घास खा रहा है। और क्या बोल रहा है? मैं। तो तुम तो शेर भी नहीं हो, भेड़ ही हो। और भेड़ बकरी के साथ रहे तो क्या ताज्जुब है कि वो बकरी ही हो जाए? शेर का उदाहरण भी कहानी में इसलिए लिया गया है ताकि एक अति दिखाई जा सके। अतियों का प्रदर्शन आवश्यक होता है संदेश देने के लिए। क्या अति दिखाई जा सके? कि देखो शेर तक
अपने आप को बकरी बना बैठा। तुम पर नहीं होगा क्या संगत का असर? जो कुछ भी बने हुए हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी आत्मा वैसी है, तुम्हारी संगत वैसी है? तुम जो भी कुछ बन गए हो वो प्रभावों का ही तो नतीजा है। तुमने कौन सा चुना था ऐसा हो जाना? तुम्हारी सारी कहानी बदल दी जाए, तुम ऐसे ही रहोगे जैसे हो, तो तुम्हारी कहानी का उत्पाद हो तुम। बीच की तो बोली नहीं, मतलब जैसे आपने बताया, मैंने कहा ये भी नहीं और ये भी नहीं। हाँ, तो बीच का थोड़ी कहा है कि तो रहना है, मतलब तुम पहले इन दोनों को हटा दो फिर पता चलेगा कहाँ रहना है। तुम उन दोनों में रहते हुए पूछना चाहते हो इसको भी छोड़ूंगा और उसको भी छोड़ूंगा तो कहाँ जाऊंगा? तुम चतुर खिलाड़ी हो, तुम पहले से ही सब पक्का कर लेना चाहते हो। और चतुर खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिलता। जिनमें अज्ञात में कूदने की श्रद्धा होती है उन्हें मिलता है। तुम ये भी छोड़ो, तुम ये भी छोड़ो, वो छोड़ना ही तुम्हें नई जगह ले जाएगा। जिसने इन दोनों को छोड़ दिया वो कोई आधार में थोड़ी अटक जाता है। उसने छोड़ा नहीं कि पाया, छोड़ना ही पाना है। पर तुम डरे हुए हो, तुम कह रहे हो नहीं ऐसा हो गया अगर कि ये भी छोड़ दिया और वो भी छोड़ दिया और कुछ मिला भी नहीं तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे ना, बर्बाद ही हो जाएंगे। तुम पहले से ही जैसे आम नौकरी पेशा आदमी होता है, जेब में ऑफर लेटर रख के फिर छाती चौड़ी करके जाता है कि आज हम आए हैं इस्तीफा देने, वही उसकी जेब में ना हो तो कैसे चलता है वो? मैं आगे का पक्का कर लें फिर पिछला छोड़ेंगे, ऐसी फितरत है। ये अलग बात है कि फिर आगे जो मिलता है वहां पर भी कहानी इस्तीफे पर ही खत्म होती है। ऐसा नहीं कि आगे जन्नत मिल गई है,